यहाँ पर हम कैल्शियम क्लोराइड का लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे. हाउ वी विल ड्रॉ द लुईस डॉट स्ट्रक्चर, लुईस डॉट. सो लेट सी हाउ टू ड्रॉ द लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कैल्शियम क्लोराइड. कैल्शियम क्लोराइड में हमें पता है कि हम जब स्ट्रक्चर बनाएंगे तो जो स्ट्रक्चर है हमारे पास कैल्शियम का एक एटम है, और कैल्शियम का जो एटम होता है बेटा उसका एटॉमिक नंबर होता है 20. और जब हम इस 20 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो हमारे पास आता है 2, 8, 8 एंड 2. दिस इज बेसिकली व्हाट, ये जो 2 है लास्ट वाला, कैल्शियम अगर ये वाले दो इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देगा तो कैल्शियम को स्टेबिलिटी मिल जाएगी, उसके ऑक्टेट 8 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में रह जाएंगे और कैल्शियम का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा. अब इसके साथ जुड़े हुए हैं क्लोरीन. चलिए देखते हैं कि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है और क्लोरीन को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं. क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, 2, 8 एंड 7. दिस इज बेसिकली द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन ऑफ क्लोरीन. तो हमें एक चीज याद रखनी है जब भी हम ये स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करेंगे कि हमें ये देखना है कि उसके आउटर मोस्ट में उसको कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है. आप देखिए कैल्शियम यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, लेकिन क्लोरीन तो एक जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, इसीलिए हमारे पास 2 क्लोरीन है जो कि दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेंगे और कैल्शियम के साथ बॉन्ड बनाएंगे. बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम जो हमारा कैल्शियम है उसको थोड़ा सेंटर में लिखेंगे. यस, नाउ सी ए. अब देखिए मैं दोनों तरफ से इसको रिप्रेजेंट करूंगी, ठीक है. मैं एक प्लस इधर लगा रही हूं और एक प्लस इधर लगा रही हूं. उसका रीजन है, एक क्लोरीन को मैं इस साइड में जोड़ूंगी, एक क्लोरीन को मैं इस साइड में ऐड करूंगी. तो मैं क्लोरीन को ऐड करती हूं. यस, दिस इज माय 1 क्लोरीन जो मैंने इधर की तरफ ऐड कर दिया है, और एक क्लोरीन को मैं इधर जोड़ दूंगी, Cl. नाउ व्हाट हैपन, ये जो मैंने प्लस का साइन शो किया है, ये आपको प्लस का साइन शो कर रहा है कि ये क्लोरीन के 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं. मैं डॉट नहीं लगाई हूं, मैंने प्लस का साइन लिया है, तो ये शो कर रहा है आपका कि आपके क्लोरीन के पास 2 इलेक्ट्रॉन है. नाउ वी नो दैट, सॉरी, कैल्शियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के पास हमारे 7 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में. तो क्लोरीन जो कैल्शियम है वो 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो इस क्लोरीन को देगा, और कैल्शियम ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो इस क्लोरीन को देगा. दैट इज व्हाई द ऑक्टेट ऑफ बोथ द क्लोरीन बिकम्स कंप्लीट एंड एज वेल एज कैल्शियम का भी कंप्लीट होगा. तो हम इसमें 7, यहाँ पर हम, मैं डॉट्स नहीं लगा रही हूँ, 7 या क्रॉस नहीं लगा रही हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है. आपको पता है कि जिस भी एलिमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं उसके आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको डॉट से या क्रॉस से हम रिप्रेजेंट करते हैं. तो यहाँ आप डॉट लगा सकते हैं क्योंकि मैंने इसके लिए प्लस ले लिया है. तो इसके बाद एक इलेक्ट्रॉन इधर गया और दूसरा जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर गया. नाउ दिस इज द वे इन विच वी ट्रांसफर. आप इसको सर्कुलर वे में ऐसे करके भी दिखा सकते हैं. और उसके बाद आप लास्ट में क्या लिखेंगे, आप लास्ट में लिखेंगे स्मॉल ब्रैकेट कैल्शियम ब्रैकेट बंद प्लस 2, क्योंकि कैल्शियम पर जो चार्ज आएगा दैट इज प्लस 2, और उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे सुपरस्क्रिप्ट में. आफ्टर दैट हम क्या करते हैं, हम एक बॉक्स लगाते हैं स्क्वायर ब्रैकेट. स्क्वायर ब्रैकेट में आप क्या लिखेंगे,
सी एल ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, आप टू भी लिख सकते हैं, वैसे आप इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करके सिंपली दिखा सकते हैं सीधा सीधा। ब्रैकेट बंद और उसके आगे लगाएंगे माइनस, क्योंकि दोनों पर माइनस वन चार्ज आएगा और इसीलिए इस पर आ जाएगा माइनस टू। तो दिस इज अबाउट द रिप्रेजेंटेशन। अब पहले आप मुझे ये बताइए, आपको जो ये पॉइंट मैंने एक्सप्लेन किया है समझ आया या नहीं आया?